बीसीए वर्ग के लोगों को पंचायती राज संस्थानों में 8% आरक्षण देने के ऐतिहासिक निर्णय को लेकर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग समाज के लोग आगामी 29 नवंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अभिनंदन करेंगे। यह जानकारी हरियाणा के हिसार के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर को पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। समारोह में प्रदेश भर से पिछड़ा वर्ग समाज के लोग हिस्सेदारी करेंगे और मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक निर्णय के लिए धन्यवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा सत्र में अनेक ऐसे बिल पारित किए गए हैं जिनकी मांग काफी लंबे अरसे से की जा रही थी। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि बीसीए वर्ग के लोगों को पंचायती राज संस्थानों में 8% आरक्षण देने के निर्णय से इस वर्ग के लोगों को और अधिक प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह बिल काफी अहम साबित होगा और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित होकर विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। इसी प्रकार से ग्राम पंचायतों के लिए राइट टू रिकॉल का बिल भी जन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को तय करेगा। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इस बार सदन में कृषि बिलों को लेकर विपक्षी दलों की असलियत भी सबके सामने आई है। तीनों बिलों पर विपक्षी दलों के सदस्य बिना चर्चा के ही सदन छोड़कर चले गए। इन बिलों को किसान विरोधी बताकर विपक्षी दलों द्वारा धरना प्रदर्शन कर किसानों को गुमराह तो किया गया, लेकिन जब चर्चा का समय आया तब ये दल सदन से बाहर चले गए। वोट पड़ लिए और रिजल्ट आना है, क्या इसका असर आएगा? वोट पड़ लिए, रिजल्ट आना है। और उसके अंदर भी मुझे भी बड़ौदा के अंदर काफी गाँव के अंदर जाने का मौका मिला था, जहाँ कांग्रेस पार्टी पहले ये कहती थी कि हमारा तो एक तरफा चुनाव है, वहाँ तो घुसने नहीं देंगे, इस टाइप के जो भ्रम फैलाने की जो बात कर रही थी। लोगों ने बड़ा ही खुल करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए और मैं ये मान करके चलता हूँ कि हमारा कैंडिडेट वहाँ से जीतेगा। इसका कोई राजनीतिक प्रभाव? देखिए, राजनीतिक प्रभाव की बात तो जहाँ तक है कि क्योंकि अभी जो कांग्रेस पार्टी भ्रमित करने का जो काम कर रही थी, हमेशा जो वहाँ से लगातार कांग्रेस के उम्मीदवार वहाँ से जीत रहे थे, वहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता तो कांग्रेस तो साफ ही होगी। उल्ट का मुझे तो लगता नहीं कोई, मैंने जैसे पहले कहा मैं वहाँ गया हूँ और काफ़ी मतलब लोगों में पॉजिटिव है कि वो उन्होंने, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट था वो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम किया। पहले भी हमारे संदीप सिंह जी जो हॉकी के खिलाड़ी रहे, वो जीत करके आए थे, वो भी हमारे स्टेट के अंदर जो है मिनिस्टर है। जैसे बरवाला में जो आपको पता है कांड, जिले सिंह का कल आप धरना स्थल पर भी गए थे, लोगों ने आपसे नाराजगी भी जताई, उस पर क्या कहेंगे? जैसे जिला प्रशासन उनको पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ उस पर। देखिए, लगातार मेरी जब से ये बात हुई थी, मैं सेशन चल रहा था, मेरी बात वहाँ के लोगों से भी हुई है और मैंने SP साहब से भी और यहाँ से बात हुई और जल्दी वो दोषी लोग पकड़े जाएंगे। क्रिमिनल लोग हैं वो, जिस तरीके से उनका जो देखा है कि पहले भी उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं, तो इस टाइप के लोग हैं तो क्योंकि एकदम से क्योंकि प्रोफेशनल टाइप के लोग हैं इसलिए वो छुप गए, लेकिन ज़्यादा टाइम छुपे नहीं रह पाएंगे। हमारी जो पुलिस प्रशासन इस पर पूरा लगा हुआ है, टीमें बना करके जल्दी उनको पकड़ने का काम करेंगे। हिसार में बढ़ते अपराधों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता है जब अपराध से रिलेटेड कोई खबर सुनने को ना मिले। देखिए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और सरकार की तरफ से भी डायरेक्शन तमाम दी गई है, लेकिन कई बार जो क्राइम हो जाते हैं, लेकिन जब भी कोई क्राइम होते हैं तो सरकार का काम है तुरंत उनको पकड़ना, उन पर अंकुश लगाना और कोई भी इस टाइप का नहीं है कि कोई क्राइम हो गया और ट्रेस ना हुआ हो उसको। प्रशासन ने उनको पकड़ा भी है, पकड़ करके उनके जो भी कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो बरवाड़ा की आप बात करें वो भी जल्दी दोषी पकड़े जाएंगे और
कानून के हिसाब से उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐसा है जो पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग होते हैं उनके प्रतिद्वंद्वी कोई और विपक्षी पार्टी के लोग काफ़ी होते हैं। रणवीर गंगवा को मेरे ख्याल से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। सादगी और ईमानदारी रणवीर गंगवा की पहचान है, ये रणवीर गंगवा की ताकत है। इसके बारे में कमेंट्स अगर कुछ लेने हो तो वो तमाम गांव के जो वो महिला आई थी वो भी, और काफ़ी सारे गांव के लोग जो कमेटी बनी थी वो सुबह भी मेरे पास घर पे आए थे और वो माफ़ी मांग के गए। मुझे मेरे से माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्पष्टीकरण देना था आप दें। मेरा काम है जैसे कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ जाना, लोगों के दुख दर्द को सुनना और उसको दूर करवाना। और जहाँ तक मेरे ख्याल से वो यहाँ आए हुए भी थे, क्योंकि वो वहाँ से मिलकर मुझे कोई बात नहीं तो वो साथ साथ यहाँ भी शायद आ गए थे। आप उनसे पूछ लेना क्या मामला था, जिन्होंने आरोप लगाए वो बता देंगे क्यों लगाए थे, जिस महिला ने लगाए थे वही। सर इलेक्शन पहली बार वो महिला मुझे वहाँ मिली थी, मुझे कहीं मिली थी। आज वो आकर के माफ़ी मांग रहे थे, वो बता भी रहे थे कि किन लोगों के कहने से भी गलती से कह दिया था, वो आपको क्लियर कर देंगे, आप पूछ लेना उनसे। पूछ लें उन्हीं से पूछ लेना तो वो बता देंगे ना। आप क्या कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो जब मैंने तो बता दिया कि मैं अगर इस टाइप की बातों पे से कमेंट्स करूंगा तो फिर क्या मेरा कोई वो नहीं है। लोगों का काम है कहना, क्यों कहा वो खुद ही बताने को तैयार है। अगर ना बताते तो शायद हो सकता मेरे से पूछने की जरूरत पड़ती आपको। अब मेरे ख्याल से मेरे से पूछने की जरूरत आपको शायद नहीं होगी, जब खुद ही आकर के गाँव के लोग मौजूद आदमी वो खुद महिला वो आ रहे हैं शायद यहाँ भी आ रहे हैं, अरे तुमसे पूछ लेना आप बता देंगे सर। से चल पड़े किन लोगों ने कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था, वो बता देंगे अपने आप। सर बड़ौदा इलेक्शन से ठीक पहले गुरमीत राम रहीम को सीक्रेटली निकाला गया था तो क्या आपको भी इसके बारे में जानकारी थी, क्योंकि अनिल विज को ही इस बारे में जानकारी नहीं थी। देखिए ये जो कुछ चीज़ें होती है ये जिस लेवल की होती है उन्हीं को पता होता है। एक दिन के लिए सनराइज से सनसेट तक किसी भी कैदी को अगर कोई उसको इस टाइप की कोई जनरल प्रॉब्लम बताता है तो उसको छोड़ने का अधिकार जेल सुपरिटेंडेंट को होता है। तो जेल सुपरिटेंडेंट ने नियम कायदों के हिसाब से कार्य किया, उनकी मदर बीमार थी तो उनको झाव मिलने के लिए गए, इसमें किसी को बताने की और कोई बात है। अभी जो दो दिवसीय हमारा सेशन रहा उसके अंदर बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं। टोटल हमने 9 बिल पास किए, जिसमें से खासकर जो सेकंड अमेंडमेंट किया है पंचायती राज एक्ट के अंदर, एक तो वो जिसमें BCA को 8% पंचायती राज के अंदर रिजर्वेशन दी गई है जिसको हम मोस्ट बैकवर्ड बोलते हैं। अब उसमें से 8% सरपंच भी बन पाएंगे, जिला परिषद के मेंबर भी, ब्लॉक समिति के मेंबर भी, यानी पंचायती राज एक्ट के अंदर BCA को रिजर्वेशन दिया गया है जो बहुत पुरानी मांग थी। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया है और उसके लिए इस पूरे हरियाणा भर से इसके लिए तमाम जो खासकर जो बैकवर्ड के संगठन हैं उनके मेरे पास बधाई के फ़ोन भी आए और उनकी इच्छा भी ये थी कि हमें इसके लिए सरकार का धन्यवाद करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। तो कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई है और 29 तारीख को एक बहुत बड़ा स्टेट लेवल का कार्यक्रम करके पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पिछड़ा वर्ग BCA की तरफ से धन्यवाद किया जाएगा 29 तारीख को सुबह 11 बजे। और इससे जो बैकवर्ड क्लास की बहुत जो पुरानी मांग थी कि हमें जो है पंचायती राज के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो तमाम BCA के जो लोग हैं वो हाथ से काम करने वाले हैं, चाहे कोई कारपेंटर का काम करता है, चाहे कोई नाई का काम करता है, चाहे कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई टेलरिंग का काम करता है, उनके पास ना तो पर्याप्त इतनी एक जगह पर संख्या होती और ना ही कोई फाइनेंशियल तौर पर वो ज़्यादा मजबूत होते। इस आरक्षण देने से उनका भी प्रतिनिधित्व कहीं सरपंच का, कहीं जिला परिषद का मेंबर का, कहीं ब्लॉक समिति का इस पंचायती राज के अंदर जो है होगा। आदरणीय मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि 36 बिरादरी से समाज बनता है और हर वर्ग को सम्मान मिलना चाहिए, उसी को लेकर के ये जो फैसला किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, तमाम हमारे जो सदन के मेंबर है उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
और इसी तरीके से जो भी जो हरियाणा के जो युवा हैं उनके लिए भी 75% नौकरियों के अंदर जो आरक्षण दिया है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, इससे भी बहुत युवाओं को जो है हमारे यहाँ के युवा है उनको रोज़गार मिलेगा। हमारे यहाँ जो भी फैक्ट्रियाँ जो लगती है हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो हरियाणा की ज़मीन यूज करते हैं, हरियाणा की बिजली पानी की व्यवस्था करते हैं, तो इसलिए हम वैसे तो पूरा देश एक ही है लेकिन हमारा क्योंकि हरियाणा के अंदर है इसलिए मैक्सिमम युवाओं को नौकरी मिले, उससे काफ़ी युवाओं को उससे फ़ायदा मिलेगा और हरियाणा के युवाओं को जो है वहाँ यहाँ नौकरियाँ मिलेगी। इसी तरीके से कई अनेक बिल इसके अंदर जो आए और भारतीय जनता पार्टी की एक टारगेट है कि हम किसानों की आय को भी जो है दोगुना करेंगे 2022 तक, उसी के लिए जो है वो कदम उठाने का काम लगातार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, 3 बिल लेकर के आए, जहां कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने उन्हों को उस बिलों को लेकर के भ्रमित करने का काम किया था, इस सेशन के अंदर कांग्रेस का वो चेहरा भी उजागर हुआ क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के इस पे आए थे और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर चर्चा कर ले, उनका भी पहले वोटिंग कराएंगे भी एक परंपरा है कि पहले हम चर्चा करेंगे उसके बाद वोटिंग हो जाएगी, लेकिन वो उस पर चर्चा ना करके क्योंकि विपक्ष के पास इन बिलों पर बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए उन्होंने चर्चा से भागे और सदन से बाहर चले गए। यानी कि ये क्लियर हो गया कि विपक्ष केवल और केवल भ्रमित करने का काम जो है इन बिलों के ऊपर कर रहे हैं, ये बिल किसान के हित के अंदर है। और आज मुख्य रूप से आपको जैसे मैंने पहले कहा कि बैकवर्ड क्लास की तरफ से बहुत बड़ा यहाँ पे आयोजन करके पूरे स्टेट से प्रतिनिधि आएंगे और मुख्यमंत्री महोदय का जो बिल पंचायती राज एक्ट के अंदर लिया है इसके लिए बहुत बड़ा फंक्शन करके उसके अंदर धन्यवाद करने का काम करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.